ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। ये टेस्ट किया जा जा रहा हो, जा हो, लॉन्ग टाइम डिप्लॉयमेंट की रही कि अगर मैं इसको एक लाइन में कहूं, तो लगा के जाएगी। तो हम मां को नहीं ढूंढेंगे आप पालो जी आप पालो तो हमने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया है हमने अपने आप को सपोर्ट किया है हमने आज पॉडकास्ट में एक बार फिर से आलोक रंजन सर हमारे साथ जुड़े हैं आपकी हाई डिमांड पर मैं उनको लेकर आई हूँ दरअसल उनकी तबियत खराब थी और वो खुद के काम में भी बिजी थे बट आपके लिए वो आज हमारे साथ फिर से ज्वाइन कर रहे हैं हमारे इस वीडियो पॉडकास्ट में और जैसा कि आपको पता है कि आलोक सर का जो अपना कंटेंट है वो इंडो पाक के रिलेटेड ही होता है और ज्यादा वो थैंक यू सो मच अनिका बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो पर इन्वाइट करने के लिए और टाइम तो निकालना ही पड़ेगा uh, चर्चा इतनी ज्यादा अच्छी होती है आपके साथ कि टाइम निकालना पड़ेगा और uh, आ गया मैं टाइम निकाल के अ uh, सर आपको पता है कि पिछले कुछ एक हफ्ते से अलग-अलग जो चीजें निकल कर आ रही हैं जो इंडो पाक डिस्कशंस है उनमें बड़ी तेजी से जो कंटेंट बाहर निकल कर आ रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें एट अ टाइम हो चुकी है कि समझ नहीं आ रहा कि किस पर बात करें तो तो मैंने सोचा कि आपके साथ हर किसी टॉपिक पे है थोड़ा सा डिस्कशन कर लें और हमारी ऑडियंस को भी एक आप, क्लैरिटी आपकी तरफ से और एक परस्पेक्टिव जो है आपकी तरफ से भी मिलेगा अच्छा सबसे पहले हम गिलगित बाल्टिस्तान की बात करेंगे रिसेंटली जो एक बवाल मचा है कि ट्विटर ने गिलगित बाल्टिस्तान को जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ जे एंड के में लोकेट किया <coughs> है तो इस पर काफी सारा बवाल मचा है पाकिस्तानी जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने सबसे पहले तो डिनाई किया कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है लेकिन जब वहां के लोगों ने खुद ही उनके पोल खोल दी तो सब मामला जो है सामने आया और बड़े बड़े न्यूज पोर्टल्स ने जो इंटरनेशनली काम करते हैं उन्होंने इसको प्रेजेंट किया और उनकी सारी पोल जो है वो वहां से खुल गई तो इसके बारे में आपको क्या कहना है कि इंडिया जो है डिजिटली जो पाकिस्तान की स्पेस में है घुस रहा है और अब बाकी जो चीजें रह गई हैं ऑन ग्राउंड अभी है अभी है लेकिन डिजिटली जो है वो उनकी स्पेस में जो है घुस चुका है क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में अनिका ये बात बिल्कुल सही है और बड़ा हड़कंप सा मचा है मैंने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया में ना न्यूज़पेपर में भी बाकी जो यूट्यूबर्स है खासकर उनमें बहुत ज्यादा मचा है अच्छा एक बात बताइए हमने लाहौर को क्यों नहीं ट्विटर ने दिखाया कि वो इंडिया में है या इस्लामाबाद को क्यों नहीं दिखाया उसने इंडिया में या किसी और इलाके को क्यों नहीं दिखाया कि इंडिया में इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो इंडिया का हिस्सा नहीं है लाहौर इंडिया का हिस्सा नहीं है इस्लामाबाद इंडिया का हिस्सा नहीं है सिंध इंडिया का हिस्सा नहीं है लेकिन जो हिस्सा है गिलगित बाल्टिस्तान हो या पीओजे के हो वो तो इंडिया का जम्मू कश्मीर की रियासत का ही हिस्सा है ना हमेशा से रहा है तो वो इंडिया का पार्ट है इसलिए ट्विटर ने दिखा दिया अब इस पर लोग कह रहे हैं कि जी ऐसा है नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए देखिए इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका इस समय कंट्रोल है उस पर आपने कब्जा किया हुआ है उस पर कब्जा करके आप बैठे हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जगह आपकी हो गई है वो जगह कानूनन दस्तावेजन

इसका मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी वो रियासत भारत में उसका विलय हो गया तो अगर आप कहीं कोर्ट में जाते हैं आप कहीं पर अगर सबूत आपसे मांगा जाता है तो आपके पास दिखाने के लिए उसके कागज हैं। कि जी ये देखिए ये महाराजा हरि सिंह के दस्तखत हैं और ये ऑन रिकॉर्ड है और पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर की रियासत उन्होंने भारत में विलय कराया था इससे इससे बड़ा सबूत तो कोई और नहीं हो सकता ना कि भाई गिलगित बाल्टिस्तान हो या के हो वो हमारा हिस्सा है तो भाई ट्विटर तो कागज पे काम करेगा ना आप सबूत देंगे कि भाई आपकी आइडेंटिटी जो बताता है वो ट्विटर लेता है कि जी आधार कार्ड चाहिए आपकी एक आइडेंटिटी चाहिए उसके बाद आपको वो आगे करता है वो तो जो आइडेंटिटी है वो प्रूफ करनी पड़ेगी तो जो मालिकाना हक है वो प्रूफ करना पड़ेगा तो मालिकाना हक प्रूफ करने के लिए जो कागज चाहिए वो कागज तो इंडिया के पास है तो जाहिर सी बात है ट्विटर तो भाई सबूतों के बिना पर बात करेगा ना अदालत भी सबूतों के बिना पर बात करेगी तो जो दस्तावेजन हक उसका भारत के पास है तो वो भारत उन्होंने शो कर दिया अब अब इस पर पाकिस्तान को जाहिर सी बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है जी वो वो तो तो कश्मीर जो है वो तो पाकिस्तान की शहर है और ये है और वो है भले ही आज तक उन्होंने कश्मीर के नाम पर धांधली की है कश्मीरियों के नाम पर उगाए गए पैसे से अपनी जेब भरे हैं कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने लेकिन जी हमारा है हमारा है हमारा है अभी मैं अभी मैं दो चार दिन पहले पब्लिक ना, तो अच्छा ना कि भाई कश्मीर में मुसलमान है वो हमारे भाई ऐसा है, है वैसा है तो सवाल पूछा अब वो हंसने लगे भाई साहब कहे कि नहीं हमें दोनों चाहिए तो उन्होंने बोला कि नहीं आप ये बताओ आपके पास एक ही ऑप्शन है कश्मीर के लोग या कश्मीर की जमीन तो आखिरकार उनको बोलना पड़ा कि जी कश्मीर की जमीन चाहिए अब आप सोचिए कि भाई क्यों आप तो कहते हैं कि कश्मीर के लोग हमारे भाई हैं हम कश्मीरियों के लिए खड़े हैं हम उनके लिए पिछहत्तर साल से लड़ाई लड़ रहे हैं तो भाई कश्मीरी आपके हुए ना अगर आप ये कहते कि नहीं कश्मीरी हमारे हैं तो सुनकर थोड़ा हमें भी ठीक लगता कि चलो यार अपनी बात पर कायम लेकिन यहां पर उनका लालच दिखता है उन्हें कश्मीर के रिसोर्सेस चाहिए उन्हें कश्मीर का पानी चाहिए उन्हें वहां का वहां के फल चाहिए वहां के उनको दरख्त चाहिए जमीन चाहिए हाँ, जो उनको चाहिए जिससे उन, वो पैसा कमा सके वही चाहिए उनको तो जाहिर सी बात है इंडिया और पाकिस्तान में यही फर्क है इंडिया कभी ऐसा नहीं कहता कि हमें के की जमीन चाहिए नहीं बॉस हमें पूरा का पूरा का चाहिए चाहिए लोग 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 भी 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 हमारे हमारे पाकिस्तान के लोग भी हमारे हैं जाहिर सी बात है जारी। जारी। जारी इनको ये बात समझ ही नहीं आएगी और अगले और पचहत्तर साल तक भी उनको ये बात समझ में नहीं आएगी कि हम लोग भी अपने चाहते हैं और अपनी जमीन भी वापस चाहते हैं हम आपकी तरफ सिर्फ रिसोर्सेज के पीछे नहीं है अच्छा एक और न्यूज जो है वो गर्दिश कर रही है और इतनी गर्दिश कर रही है कि मुझे लगता है कि इस चीज को जितनी हाइप मिली है सोशल मीडिया पे उतनी आज तक मैंने किसी चीज की हाइप नहीं देखी सीमा सीमा इलीगली जो है एंटर करती है इंडिया में और एक महीने तक इंडिया में रहती है और खुद सीमा पाकिस्तान से है पाकिस्तान से उठकर वो चली जाती है दुबई और दुबई से नेपाल नेपाल से इंडिया तो एक बहुत सारे लोगों के बहुत सारे परस्पेक्टिव है कोई कहता है कि ये तो आ, फिल्म मूवी की स्टोरी बन गई और आ, कोई कहता है कि इलीगली क्यों आई इंडिया में और मेरा एक ये है कि ये सबसे पहले हमारे सिक्योरिटी कंसर्न के लिए सबसे बड़ा सवाल या निशान है अगर ये सीमा आई है सीमा के साथ चार बच्चे आए हैं अब ये कहते कि चलो लड़की अकेले आई है तो शायद सब ने कहा होगा तो लड़की है ये क्या ही कर लेगी या सब ने ये कहा होगा शक भी नहीं किया होगा लड़की पे लेकिन वो चार बच्चों के साथ आई है और एंटर हुई है इलीगली इंडिया में अगर सीमा आई है और सीमा के साथ चार बच्चे आए हैं और कितने <coughs> लोग आए होंगे? तो इसमें हमारी सिक्योरिटी बड़ा सवाल उठता है उसके बारे में आपका क्या प्रोस्पेक्टिव है हमारे सिक्योरिटी देखिए इसमें कई सारी बातें बिल्कुल ये सही बात है कि ये सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं आप समझिए आप अब आप इसको ऐसे देखिए आप ये प्यार मोहब्बत वाला सब चक्कर छोड़ दीजिए आप hmm. इसको देखिए hmm. hmm. हम ऐसे करके क्या हम पंद्रह बीस साल बाद कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वहां पे हो जाएंगे तो सब इंडियन हो जाएंगे और ऐसा हो जाएगा आप सोचिए कि सिक्योरिटी के लिहाज से कितनी लापरवाही हुई है ये आदमी पाकिस्तान से चल के दुबई जाता है वहां से नेपाल आता है और चार बच्चों के साथ वो महिला आ जाती है चलिए मैं एक बार को मान भी लेता हूं कि चलिए उसको सचिन से प्यार हो गया है वो उसके बिना नहीं रह सकती है ठीक है लेकिन वो आ कैसे गई उसने बॉर्डर क्रॉस कैसे किया उसकी चेकिंग क्यों नहीं हुई उसको रोका क्यों नहीं गया? और अगर एक सीमा आ सकती है अपने चार बच्चों के साथ तो सैकड़ों सीमाएं आ सकती हैं और वो आकर यहां पर क्या करेंगी किस मकसद से आएंगी क्या पता आएंगी? कल को जो आईएसआई है

और, और, आगे अब चल, आगे चल के क्या होगा एक 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 सॉफ्ट कॉर्नर तो रहेगा हम्म। और ये थोड़ी पता है चले उनको यहाँ पर रख भी लेते हैं अब थोड़ी उनको पूरी जिंदगी यहाँ पे उनके नाके पे रहेंगे कि वो क्या करते हैं कहाँ जाते हैं कहाँ जाते हैं। तो फिर किसे पता चलेगा कि फिर आगे वो क्या करेंगे यहाँ पे और अब देखिए ना हम हमें आलस आता है बाहर मार्केट तक जाने में हमें आलस आता है पाकिस्तान से दुबई दुबई जाना यहाँ लोग दुबई जाने के लिए पैसे जोड़ते हैं दुबई जाना है पाकिस्तान में प्लॉट बेच दिया पाकिस्तान के प्लॉट की वैल्यू ही क्या होगी दुबई जाने के लिए दुबई से नेपाल नेपाल से चार बच्चों के साथ चार चार बच्चों को लेकर आप चल रहे हो तो पैसा एक हेफ्टी अमाउंट चाहिए अगर यहाँ इंडिया से कोई दुबई जाता है वो अच्छा कम से कम अगर वो रखे तो वो एक लाख रुपए तो रखता है अपने साथ और वो उसी को आप तीन गुना बढ़ा दीजिए चार पांच लाख तो सीमा के पास हो जाने चाहिए सीमा के पास अब इतना बड़ा प्लॉट भी क्या है वहां पे उसकी कीमत क्या होगी तो फिर फंडिंग कहां से हुई ये भी एक सवाल है तो। अच्छा उनके बच्चों का एक एक वीडियो रिसेंटली सामने आया जिसमें उनके नाम अब बदल दिए गए हैं और बहुत ही एब्जॉर्ब कर लिया उन्होंने नाम, नामों को छोटे बच्चे हैं मतलब किसी का नाम अगर बदल दिया जाता है तो उसको बहुत टाइम लगता है एब्जॉर्ब करने के कि ये मेरा नाम है अब दूसरा नाम मेरा है आपने भी ये देखा होगा अच्छा आ, टीवी रिपोर्टर्स उनको बुला रहे हैं इधर आउट क्या नाम है प्रेम का नाम है परी नाम है राज नाम है और आ, बच्चे भी कह रहे हैं कि हाँ पहले तो हम लोग ही पबजी खेल रहे थे फिर हमने मम्मा को भी सिखाया तो एब्जॉर्ब इतना जल्दी एब्जॉर्ब करना किसी चीज को एक छोटे बच्चे के लिए मैं ये समझती हूँ कि ये ये नाकबली यकीन है और सीमा के का देखिए मैं भी जब आ, आपके आपने आपको पता होगा जब मैंने इंटरव्यूज या अपना चैनल स्टार्ट किया मैं बोलती अच्छा हूं लेकिन कुछ टाइम तक तो मुझे कितना टाइम लगा एडजस्ट होने में यूट्यूब के साथ कैमरा को फे फेस करने में और वही सीमा इज सो रेडी फॉर कैमरा एंड ऑल दैट उसको सवाल पूछा नहीं होता उसके जवाब उसने तैयार रखे होते हैं एंड सेकेंड थिंग कि उसको दूसरी चीज ये भी पूछी गई कि आप कलमे पढ़ो या कुछ पढ़ो एक भी चीज याद नहीं है कुछ भी याद है <coughs> तो सीमा अच्छा की करना बहुत जरूरी है कि है कौन असल में ये अगर मैं इसको एक लाइन में कहूं तो आपको ये नहीं लगता कि बहुत ट्रेन है मतलब प्रिपरेशन की है इन्होंने हर चीज प्रिपेयर करके आई है कहीं भी फंसती नहीं है कहीं भी उलझती नहीं है कहीं भी हिचकिचाहट नहीं आती है फर्राटेदार हिंदी बोलती है और मुझे नहीं लगता कि पबजी खेलते हुए इतनी अच्छी हिंदी कोई सीख सकता है आप मेरी बात समझिए हिंदू रीति रिवाज उन्हें पूरी तरह से पता चल चुके हैं मुझे लगता है कि दो चार महीने छह महीने साल भर में कोई इतना ज्यादा कोई किसी और रिलीजन को मानने में चला जाए और उसकी चीजें सीख ले इतनी जल्दी ये मुझे भी यकीन नहीं होता दूसरी बातें कि वो टेक्निकली भी बहुत साउंड है लाइक फोन बदलना सिम तोड़ के फेंक देना सिम बदल लेना आप समझ रही है चीजें

इंटरव्यू तक क्रैक करना है आप तो देखिए कि इंटरव्यू भी क्रैक क्रैक कर कर लिया कर लिया उन्होंने उन्होंने बिल्कुल। बिल्कुल तो उनको सब सब पता है मुझे अच्छा आ, प्राइम कंसर्ट उनको अभी यही है कि मैं वापस नहीं जा रही मुझे यही चाहिए मैं नहीं जाऊंगी वापस तो प्राइम फोकस वहीं पे तो मुझे ये लगता है कि वो मन बना के आए थे कि मुझे इंडिया में ही रहना है और चारों बच्चों को यहीं पे बड़ा करना है और ये मैं बता रहा हूं कि जब आप इंटेलिजेंस में आते हैं जब आप जासूसी वाले में आते हैं तो हर वो काम किया जाता है जिससे बहुत नॉर्मल लगे ये चीजें हमने कई किताबें ऐसी पढ़ी हैं हमारे पास कई ऐसे वो है, है। हमने अजीत डोवाल अजीत डोवाल साहब का भी देखा है कि वो जाके अः कई साल पाकिस्तान में बिता है नॉर्मल एकदम कोई उससे तो आप सोचिए कि ये बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी हो सकती है नहीं। हमें नहीं पता भाई आप सीमा के दिमाग में घुस तो नहीं देख सकते ना कि वहां पे क्या क्या चीजें प्लान करके कर रखी गई हम नहीं देख सकते तो वो सारे वो काम कर रही है जिससे सहानुभूति बटोरी जा सके उनको लगता है कि कि वो कहती नहीं, नहीं।, नहीं मैं जाऊंगी वहां पर तो मार डाली जाऊंगी और ये बात बिल्कुल सही है उनके खिलाफ फतवे निकल चुके हैं वहां पे वहां से धमकियां आ रही है वहां से जो डकैत है वो धमकियां दे रहे हैं कि वो कर देंगे हाँ तो सॉरी तो ये पूरी प्रिपरेशन है हर प्रोज एंड कॉन्स चेक किया गया है कि ऐसा ये होगा तो इसके बदले में ऐसा यहां से जाएगा ऐसा जाएगा तो यहां से ये इसका रिएक्शन होगा तो जो है बड़ा मतलब मुश्किल वक्त चल रहा है और मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से इंडिया को बिल्कुल सिटीजनशिप नहीं देनी चाहिए मे बी क्योंकि भाई आप सही कह रही थी कि भाई हम कितने साल तक उनके पीछे पीछे पीछे, पीछे बच्चों के पीछे उनको हम पुलिस लगा के रखेंगे भाई की कहा जा रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं नहीं कर सकता कोई ये बहुत ये फिजिबल नहीं है तो मुझे लगता है कि इनको तो वापस डिपोर्ट किया जाना चाहिए और ये तो ट्रेंड बन जाएगा फिर अच्छा जब चार बच्चों के साथ हादसा हो चुका है अच्छा, सीमा की या डिपोर्ट कर दिया जाएगा रखा जाएगा <coughs> अब वो चीज हम जुडिशरी पे छोड़ते हैं एक और चीज हमेशा कही जाती है इंडिया वो ये सब अच्छा सीमा को ही देख लीजिए इलीगली इंडिया में एंटर हुई चार बच्चों के साथ एक तक जासूस साबित कर दिया जाता है कुलभूषण जाधव की तरह और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता और फिर कहा जाता है कि देखो बड़ी अचीवमेंट है हमने इंडियन स्पाइप पकड़ लिया है और हर तरफ पाकिस्तान होता है की हमने इंडियन स्पाई पकड़ लिया अच्छा यूट्यूबर्स की बात करें पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की अब उन्होंने इस मैटर को टेक ऑफ किया है पाकिस्तान में क्योंकि वहाँ की चैनल्स इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रही हैं तो यूट्यूबर्स ही है जो हमेशा पोल खोलते हैं उनकी एक हिसाब से क्योंकि वहाँ के चैनल्स का जो कन्वीनियंस है वो वहां के यू नो वहां के डोमिनेंस के अकॉर्डिंग चलता है कि वहां कौन डोमिनेंट है पाकिस्तान में तो यूट्यूबर्स ने अलग अलग लोगों के पास जा जाके के पूछा कि क्या करना चाहिए क्या होना चाहिए यहाँ आएगी वहां आएगी तो एक तरफ से उनकी वो मैंटेलिटी एक बार फिर से निकलकर सामने आई है और उसी का सहारा ले लेकर जो है क्या कहते हैं सीमा जो है फिर से एक बार वो जो विक्टिम कार्ड खेल रही है कि नहीं मैं तो देखिए मैं मुझे आग, मैं अगर वहां भेजा गया तो मुझे तो वहां मार देंगे अब मुझे आप यहीं पे रखिए तो वहां की मीडिया इसको क्यों नहीं दिखाना चाहती है क्यों वो इसको छुपा रही है देखिए वहां के मीडिया की मजबूरी है वो क्या दिखाएगी पब्लिक सेंटिमेंट की ये बात खिलाफ है एक तो महिला पाकिस्तान की महिला मुस्लिम महिला अपने सबसे बड़े दुश्मन के घर चली जाती है और जिनको वो कहती है कि जी हमें कोई रिलेशन नहीं रखना है हिंदू हिंदू हैं और ये हैं और वो हैं ऐसा है उनके साथ वो शादी कर लेती है तो ये सबसे जो मतलब कहें कि एक तरह से बेइज्जती पे बेइज्जती पाकिस्तान के लोग फील कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है जबकि नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए भाई चलिए अगर हम मजहब को एक किनारे पर रख दें तो सानिया मिर्जा ने शोर मलिक से शादी की ना इधर किसी को ऐतराज हुआ ना उधर किसी को ऐतराज हुआ इसमें कोई वो तो नहीं है बुरी बात तो नहीं है और नहीं। वैसे भी मुझे लगता है कि अः हमारे यहाँ से कई लोगों की शादियां पाकिस्तान हुई हैं पाकिस्तान से कई लोगों की शादियां यहाँ पे हुई हैं तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है हाँ हुई है और होती रही हैं अब इसको इतना बड़ा तूल दे दिया देखिए इसमें एक और चीज मुझे दिख रही है अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान से धमकियां दी जा रही हैं एक मियां मिठू का नाम आपने जरूर सुना होगा जो कन्वर्जन कराता है सिंध के इलाके में हिंदू बच्चियों का उसकी तरफ से कहा गया है और बाकी लोगों की तरफ से भी कहा जाता है जो डकैत है बढ़ेरे हैं उनके सरदारों की तरफ से कहा गया है कि भाई जो पाकिस्तान के हिंदू हैं उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी आप सोचिए कि कितनी बेवकूफाना बात है भाई उनका क्या लेना देना इससे

क्या वाह बात भाई वो हमारे नागरिक है वो आपके नागरिक है आपके सिटीजन है आपकी जिम्मेदारी है आप समझो उन्होंने क्या बिगाड़ा है भाई किसी की करनी की किसी करने की की सजा और को क्यों मिलेगी उसके बाद जब हम आते हैं आपने मीडिया की बात कही आ, मैं पिछले से ना पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा था कम से कम जो उनकी वेबसाइट है कहीं कोई खबर नहीं आ रही थी आज मैंने देखी कि जियो ने एक खबर डाली है वो भी एफ के हवाले से डाली है जिसमें सीमा के बयान को कोट किया गया कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं यहां से जाऊंगी नहीं ये बयान कोट किया गया तो मीडिया कवरेज इसीलिए नहीं कर रहा है कि देखिए लोग भड़क जाएंगे क्योंकि लोग सवाल पूछने शुरू करेंगे उनमें से कुछ लोग ऐसे आएंगे जो सीमा के सपोर्ट में भी आएंगे ऐसा नहीं है पाकिस्तान के भीतर से भी कुछ लोग सीमा के सपोर्ट में आएंगे चलो मेजोरिटी में नहीं आएंगे माइनोरिटी में ही आएंगे सपोर्ट में कि भाई सौ में से चार ही लोग सपोर्ट करेंगे लेकिन सपोर्ट आएगा क्योंकि ऐसी कोई ऐसा कोई गलत काम अगर मैं उस लिहाज से देखूं अगर आप सिक्योरिटी कंसर्न छोड़ दें तो उस लिहाज से कोई ऐसा गलत काम नहीं हुआ है रही बात कन्वर्जन की तो भाई दुनिया में लोग हिंदू से मुसलमान बन दुनिया में छोड़िए भारत में लोग हिंदू से मुसलमान बनते हैं मुसलमान लोग इस्लाम छोड़ देते हैं ईसाई बन जाते हैं ईसाई ईसाई हिंदू हिंदू बन जाते हैं है। ये तो चलता रहता है ना ये तो चलता रहता है लेकिन इसको रंग ऐसा पाकिस्तान में अब दिया जा रहा है कि इसको हिंदू मुस्लिम कराने की भरपूर कोशिश की जा रही है भरपूर भाई इधर के लोग भी टेंशन में आए उधर के लोग भी टेंशन में आए तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा हमारे यहाँ के लोग ज्यादा समझदार है तो समझ जाएंगे बाकी पाकिस्तान में जो होना है वो करें भैया वो समझे वो देखे लेकिन हमारे लोगों में बड़ी सिंपति है कल से मैंने एक इंटरव्यू में मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो बड़े लोग बड़ा कह रहे थे कि आपको क्या है वो यहीं पे रहेगी अब हमारी भाभी माँ है अरे भाभी माँ कल को तोप लगा के सिली जाएगी तब तो हम भाभी माँ को नहीं ढूंढेंगे <laughs> तो वो हमें अभी सोचना है वो पहले ही हमें पर ना पहुंच के हमें प्राइमरी से देखना है कि अभी क्या चीजें की जा सके क्योंकि एक बार जो ये सेट हो जाता है लोग आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि उनको पता है वहां अच्छा लोग ऐसे भी आ सकते हैं चलिए स्पाई बनकर नहीं आ लोग एक्चुअल में फिर वहां से निकलना चाहते हैं और इनके डिबेट्स एग्जैक्टली डिबेट्स में जब मैं देखती हूँ अगर इनके अगर पाकिस्तान से किसी को डिबेट में लाया जाता है तो वो उल्टा हम पर ये ब्लेम डालते थे कि आपके देश में है तो आप संभालो आप हम पर मत डालो हम हमने हमारे पास तो नहीं है अब तो वो आपके देश में उनको वहीं पर संभालो <laughs> तो वो तो ना कि अपने बच्चे को आप छोड़ देते हैं <coughs> और दूसरों के हवाले कर देते कि ये लो मेरी मेरा बच्चा है अब इसको आप संभालो आप पालो जी आप पालो लेकिन हम थोड़ी पा, हमारे अपने यहाँ पे लोग हैं उनकी भलाई के लिए देखेंगे आपके लोगों को लाला का सिटीजनशिप थोड़ी देंगे यहाँ पे अच्छा एक और न्यूज जो है वो गर्दिश कर रही है बड़ा कहते हैं कि इंडिया फैसिस्ट है या एंटी मुस्लिम है या ये है वो है डिस्पाइट हैविंग सो मेनी है कितना आपको पता है क्लैश चल रहा है हमारे और हम दो देशों के बीच में क्योंकि वो ऐसा देश है कि वो हमले करवाता है टेररिज्म से ही जाना जाता है वो वो देश अब ऐसा नहीं है कि कोल्ड वॉर चल रहा है हम कुछ बोलते हैं या जैसे बाकी देशों के साथ हम स्टेटमेंट पास करते हैं वो वहां से स्टेटमेंट पास करते हैं वो एक लाइन होती है इनका ये है कि ये हमारे देश में अपने नार्को टेररिज्म करते हैं या बाकी चीजों का बाकी अपने अहलकार यहाँ बेचते हैं टेररिज्म कश्मीर को इन्होंने टेररिज्म की वजह से कितना झंझोड़ के रखा निचोड़ के रखा लेकिन इसके बाद भी जो इन्होंने रेजोल्यूशन कल यूएन में पास किया या सबमिट किया उनके सामने रखा उसमें सबसे पहले इंडिया ने इनको बैक किया है डिस्पाइट दि, हैविंग सो मेनी ग्रजेस तो यहाँ पर ये पता चलता है कि इंडिया ऐसा मुल्क है जहां पे 84 परसेंट हिंदू पॉपुलेशन तो है लेकिन यहाँ पे हर एक धर्म दुनिया के जितने भी सारे धर्म है मुझे लगता तो है उनका सेकेंड होम इंडिया है चाहे एक धर्म के अलग अलग सेक्ट्स भी अगर आप देख लें उनका भी सेकेंड होम इंडिया ही है वो टॉलरेंस वो एक्सेप्टेंस और वो लिविंग uh, जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है और जो लोग कहते हैं कि इंडिया ऐसा है वैसा है या ये जैसे लोग हैं इन चीजों को ये अपलिफ्ट नहीं करते हैं अपने देखिए इंडिया ने बैक किया इनको अपनी मीडिया पे ये भी नहीं दिखाते हैं कि इंडिया ने हमें बैक किया है है नहीं दिखाएंगे इसके बारे में आपका क्या कहना देखिए अभी आपने बात कही कि सेकंड होम है थोड़ा सा मैं इसको एलोबरेट कर दूं आ, आ, मुझे लगता है कि जो टॉप फाइव रिलीजन है आप क्रिश्चानिटी ले लो आप इस्लाम ले लो आप हिंदुइज्म ले लो आप Judaism ले लो आप सिखिज्म ले लो आप जैनिज्म ले लो तो मोस्टली चार जो बड़े धर्म है वो चार का पहला घर है यहीं से उत्पत्ति हुई हिंदुइज सिखिज्म जैनिज्म और बौद्धिज्म बौद्ध को भी आप बुद्धिज्म को भी अगर आप तो चार तो यहीं से पैदा हुए और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इस्लाम मुझे लगता है कि सेकंड शायद सेकेंड मोस्ट पॉपुलस्ट कंट्री है हम सबसे ज्यादा मुस्लिमों की आबादी है तो आप एक तरह से कह सकते हो तो कि इस्लाम का भी घर है ये ईसाई हमारे यहाँ बहुत पहले से रह रहे हैं ठीक ठाक संख्या में रहना बहुत पुराने से रह रहे हैं अच्छा अनिका एक बात मैं बताता हूँ पाकिस्तान को बने हुए कितना टाइम हुआ हिंदू और मुसलमान यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं आई थिंक हजारों साल हिस्ट्री अकाउंट भी ग्यारह बारह सौ साल से तो रह रहे अगर मैं वैसे जोड़ू कि मोहम्मद बिन कासिम जब आया था सिंध में तो आई थिंक सात सौ ईसवी के तहत आया था तो करीब बारह सो साल तेरह सौ साल तो हो ही गए बारह सौ साल अब आप सोचिए कि जो ये देश जो सेवेंटी फाइव पहले बना है वो बारह सौ साल के इतिहास को कहता है कि जी ये एंटी मुसलमान है अगर हम exactly. एंटी मुसलमान होते एंटी मुसलमान होते तो क्या मुसलमानों की आबादी से लेकर और सब कुछ हम साथ में मिलकर किया हमने अभी भी कर रहे हैं आपसे ज्यादा मुसलमान हमारे देश में रहते हैं हम साथ में मिलकर रहते हैं क्या ये हाँ क्या ये पॉसिबल होता आपकी हालत देखो कि आपने 75 में आपकी अचीवमेंट क्या रही? आप आप भिखारी बन गए? आप आज तक जुलाई को अभी हम चंद्रयान 3 वाले हैं जी। exactly. पर अपना लैंडर उतारने वाले हैं। तो लोगों को यह समझना पड़ेगा कि बॉस ये जो चूरन खिलाया गया कि जी टू नेशन थ्योरी सेवेंटी में वो सारी ध्वस्त होगी टू नेशन थ्योरी hmm. मुसलमान मुसलमान में बंटवारा हो गया ना लेकिन कोई कोई इस पर बात नहीं करेगा कोई इस पर बात नहीं करेगा तो वो जो चूरन खाते आ रहे हैं अब मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा खैर पता नहीं पाकिस्तान के लोग मुझे नहीं लगता कि समझ पाएंगे इस बात को वहां तक समझने के लिए उनको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाई लिखाई से तो दूर रखा गया उनको और किताबों में भी आपको पता है कि वहां पर क्या पढ़ाया जाता है तो बेसिकली दिक्कत यह है कि अब आते हैं आपके वाले बात पे तो वो स्वीडन वाला मामला था जहां पे कुरान को जलाया गया था अब आप सोचिए कि अगर

क्या आपने कभी सुना है कि आपसे ज्यादा सेक्ट हमारे यहाँ इंडिया में रहते हैं और सब एक साथ बराबरी से रहते हैं आपने कभी सुना है कि हमारे यहाँ किसी की मस्जिद में जी इनकी मस्जिद में ब्लास्ट हो गया जी उनकी मस्जिद में ब्लास्ट हो गया जी नहीं हुआ ना आपके यहाँ होता है आपके यहाँ शियाओं की मस्जिद में ब्लास्ट होते हैं अहमदियों के मस्जिद तोड़ दिए जाते हैं क्यों भाई वो इंसान नहीं क्या आपके यहाँ तो संविधान में जुल्फिकार अली भुट्टो कानून लेकर आ गए वो तो अहमदियों को मुसलमान मानते ही नहीं है कानून में लिखवा दिया संविधान में अब आप सोचो और आप कहते हो कि जी हम हम एंटी मुस्लिम हैं जहाँ पर आपसे ज्यादा फिरके एक साथ शांति से आराम से रह रहे हैं हैं आराम से रह रहे हैं। सब लोग एक साथ बैठे अभी जो मीटिंग हुई थी यहाँ पे दिल्ली में वहां पर हर सेक्ट के लोग आगे बैठे हुए थे कि नहीं एक साथ एग्जैक्टली पाकिस्तान में बता दीजिए कि ऐसी कोई मीटिंग हुई सुनिए जितने भी सेक्ट हैं मुस्लिम्स के सारे थे सब एक ही एक ही लाइन में बैठे थे तो ये हमारे देश की खूबसूरती है तो हमने अगर सपोर्ट किया देखिए किसी भी धर्म ग्रंथ को जलाना ये ये हम सपोर्ट कभी नहीं करते exactly. जैसे हमारे धर्म ग्रंथ को कोई जलाएगा जितना बुरा हमें लगेगा किसी और धर्म ग्रंथ को जलेगा तो उसे भी उतना ही बुरा लगेगा तो hmm. आप वही काम नहीं कर सकते जिससे हर किसी को बुरा लगे hmm. तो भारत ने बहुत सोच समझ कर और भारत ने पाकिस्तान को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया भारत ने अपनी आइडेंटिटी को सपोर्ट किया देखो हम तो दुनिया के चार सबसे बड़े धर्म हमारे यहाँ पैदा हुए हैं और हम सारे पांच सातों धर्म छह धर्म जो हैं जो बड़े सारे दुनिया के जितने धर्म हैं उस सारे धर्मों के लोग पिछले हजारों साल से हम एक साथ रह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं आती हम सब एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं और आप कहते हो कि ये हम एंटी मुसलमान हैं <laughs> खैर ऐसी सोच का तो खुदा ही हाफिज है और आगे चलकर हमें पता चल ही जाएगा कि इनके साथ क्या होना है और आगे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपने इतने बिजी शेड्यूल से मुझे वक्त दिया और हमारे आ, इस पॉडकास्ट में आए और आ, लोग बिल्कुल आपको बहुत सुनना चाहते हैं और बिल्कुल वेट करते रहते हैं आप यकीन नहीं करेंगे वो लिटरली बहुत सारे लोग आके मुझे मेल्स लिखते हैं क्योंकि मैंने अपना ई मेल अवेलेबल रखा है तो वो मेल्स लिखते थे कि इनको लाओ इनको लाओ और आलोक सर को कब ला रहे हो कब ला रहे हो कब मैंने बोला एक एपिसोड किया है उनको भी जल्दी लाएंगे तो आज आपके साथ बात हो गई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और आपके साथ जब भी बात होती है एक एक क्लैरिटी मिलती है थॉट्स की और एक यू नो डिफ्रेंसियन हो जाता है और उस सोच का भी डिफरेंसिएशन हो जाता है कि जो हमें उनसे डिफरेंट करता है अलग करता है हर तरीके से सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आगे भी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे अलग अलग मुद्दों पे थैंक यू सो मच बिल्कुल थैंक यू सो मच और यही हमारी पहचान है यही भारतीयों की पहचान है जल्दी फिर मिलेंगे जय हिंद नमस्कार जय